नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। जेएनआई न्यूज में आप सबका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी जनपद से आ रहे। आपको बता दें, बाराबंकी देवा थाना पुलिस द्वारा तीन साथी चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से विभिन्न स्थानों पर की गई चोरी का सामान बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की। आपको बता दें, चोरी में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। बाराबंकी पुलिस अधीक्षक अरविंद चतुर्वेदी जी ने प्रेस वार्ता कर दिया जानकारी। आइए देखते राजकुमार की एक रिपोर्ट। चोरियों का खुलासा किया है। अधिकांश उनके थाने की चोरियां हैं और अन्य जनपद के अन्य थानों की भी चोरियां हैं। एसपी नॉर्थ और सीओ सिटी के मार्गदर्शन में एसओ देवा और उनकी टीम ने। दोस्तों नमस्कार, बाराबंकी अत्याधुनिक सुविधा के साथ प्रताप हॉस्पिटल एंड सर्जिकल सेंटर आधुनिक पद्धति के साथ ऑपरेशन किया जाता है। 24 घंटा इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। होनार डॉक्टर तपन वर्मा एमडी, डॉक्टर विनय वर्मा फिजिशियन की 24 घंटा मौजूदगी में पेशेंट को सुविधा मुहैया कराती है। राधे नगर बड़ेल छत्री चौराया बाराबंकी की ओर से समस्त जनपदवासी को दीपावली की हार्दिक कई दिनों के परिश्रम के बाद तीन लोगों को अरेस्ट किया, जिनके पास से विभिन्न चोरियों का माल बरामद हुआ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये माल नंबर्ड आइटम है या पहचान योग्य है। मसौली के एक थाने की चोरी का की घड़ी बरामद हुई है, जिसको वादी ने पहचाना है, उसके डिस्क्रिप्शन से मेल खाती है। इसी प्रकार से तीन चोरियों में जो मोबाइल चोरी हुए थे वो बरामद हुए हैं, जो एक प्रकार का बड़ा पुष्ट डिजिटल साक्ष्य होता है। इसके अलावा कुछ जेवर बरामद हुआ है चोरियों में गया हुआ। तो इस प्रकार से एक बहुत अच्छा काम हुआ है। 7 चोरियाँ खुली हैं और पूछताछ पर अन्य जनपदों की भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। उन जनपदों से इनका डिजिटल डेटा शेयर करते हुए उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि वो भी अपने यहाँ इस बात का परीक्षण कर लें कि इस दौरान क्या चोरियाँ हुई हैं और क्या संभावनाएँ हैं। तो ये संगठित गिरोह है क्या जो कर रहा है इस तरीके? ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि अभी इनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इनका आपराधिक इतिहास इस बात को सजेस्ट करता है कि अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके पास से जो औजार बरामद हुए हैं वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल औजार हैं, ताले तोड़ने या कुंडा हटाने के। तो उससे ऐसा लगता है कि ये पुराने अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके संबंध में और थानों से भी जानकारी प्राप्त की जा रही है। थाने के द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए टीम को 5,000 रुपये के नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। सर, चोरियाँ अक्सर करके होती हैं, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन लोगों को लेने चाहिए? देखिए, मैं आपके